जय हिंद। फिलहाल मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ बिहार के दरभंगा से, और आज हम ट्रेवल करेंगे दरभंगा और दिल्ली आनंद विहार के बीच चलने वाली अमृत भारत ट्रेन में, 1557 दरभंगा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस, जो कि दरभंगा से सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज, गोरखपुर, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर के रास्ते दिल्ली आनंद विहार पहुँचेगी। नई नवेली ट्रेन है। हाल में ही देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा अयोध्या से इस ट्रेन का उद्घाटन किया गया था। आइए इसमें करते हैं जर्नी और बताते हैं आपको कैसा है ये गाड़ी, कैसा है इसका जर्नी एक्सपीरियंस। हम सफर करेंगे इस ट्रेन के जनरल कोच में। यही है भैया अमृत भारत ट्रेन, लगी हुई है दरभंगा के 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे। ग्रे और सेफ्रॉन कलर की ट्रेन है, काफी खूबसूरत लग रही है। इस अमृत भारत एक्सप्रेस की खासियत यह है कि 22 कोच की इस ट्रेन में टोटल 12 कोच स्लीपर के हैं और 8 कोच जनरल के हैं। 4 जनरल आगे हैं, 4 पीछे हैं, और इंजन आगे भी है भैया, पीछे भी है, यानी पुश पुल टेक्नोलॉजी से ये ट्रेन चलाई जा रही है। और फैसिलिटीज चाहे जनरल कोच हो या स्लीपर कोच हो, फैसिलिटीज भर भर के है। आइए अंदर आते हैं इस अमृत भारत एक्सप्रेस के जनरल कोच में। देख सकते हैं इसका जनरल कोच का इंटीरियर काफ़ी अच्छा लग रहा है, कलर चेंज किया गया जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ट्रेन काफ़ी गंदा कर दिया है लोगों ने, बाकी इंटीरियर लाजवाब है। ट्रेन की टाइमिंग की बात की जाए तो दरभंगा से ये ट्रेन दोपहर 3 बजे चलेगी और सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज, गोरखपुर, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर के रास्ते कल दोपहर 12:30 बजे पहुँचेगी भैया ट्रेन दिल्ली आनंद विहार। बाकी ये तो है जनरल कोच। अब आइए आपको दिखाते हैं इस ट्रेन का स्लीपर कोच। जनरल हो या स्लीपर, फैसिलिटीज भर भर के है। मोबाइल फ़ोन चार्ज करने के लिए देखिए यहाँ 2 चार्जिंग पॉइंट दिए हुए हैं और ये 2 मोबाइल फ़ोन होल्डर। इस तरफ भी 4 चार्जिंग पॉइंट दिए हुए हैं और 4 मोबाइल होल्डर। फैसिलिटीज़ भर भर के है, बस लोगों से अनुरोध है साफ सफाई मेंटेन रखें। भैया ये है इस अमृत भारत एक्सप्रेस का स्लीपर कोच का इंटीरियर, देख लीजिए इंटीरियर काफ़ी लाजवाब है, एकदम ऑसम लेवल का बनाया गया है। लुक वाइज काफ़ी अच्छा है, खासकर ये सीट का जो कलर है ना, अच्छा लग रहा है ना भैया। आम जनता की वंदे भारत एक्सप्रेस इसे आप बोल सकते हैं, जिसका नाम अमृत भारत रखा गया है। और यहाँ देखिए डिजिटल बोर्ड भी दिया हुआ है और सामने कैमरा भी है। सच में मज़ा आ जाएगा अगर आप इस अमृत भारत ट्रेन में जर्नी कीजिएगा, चाहे जनरल में कीजिए चाहे ये स्लीपर कोच में कीजिए। बाकी अब हम आपको दिखाते हैं इस ट्रेन का वाशरूम। वाशरूम तो भैया ऐसा बनाया गया है ना, अगर आपको कब्ज़ की बीमारी भी है ना, फिर भी मलका त्याग करने का मन करेगा। डिज़ाइनदार बनाया गया है, जैसे वंदे भारत में होता है ठीक वैसा ही पूरा वाशरूम जो है चमक रहा है। और यहाँ देखिए लात से दबाइएगा तब यहाँ पानी आएगा। ये वाला वेस्टर्न स्टाइल है, इस तरह से बंद होता है, और ये है अपना इंडियन स्टाइल। यहाँ भी पैरों द्वारा संचालित नल दिया हुआ है। और बाथरूम यूज करने के बाद भैया फ्लश का यूज जरूर कीजिए। अच्छा जनरल कोच में भी देखिए यहाँ डिजिटल बोर्ड दिया हुआ है जहाँ ट्रेनों की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, और यहाँ कैमरा भी दिया हुआ है। ये ट्रेन देखिए नॉर्मल जनसाधारण टाइप की ट्रेन है, लेकिन इसमें फैसिलिटीज़ जो है वो वंदे भारत जैसी दी गई है, यानी अगर आप इसमें ट्रैवल कीजिएगा तो आपको थोड़ा बहुत वंदे भारत वाला फील आएगा, प्रीमियम फील आएगा। चलिए दोपहर के 3:30 बज चुके हैं और हमारी अमृत भारत ट्रेन निकल चुकी है भैया दरभंगा से दिल्ली आनंद विहार के लिए। ट्रेन यहाँ से 1/2 घंटे की देरी से चली है। दरभंगा को कीजिए बाय बाय। और अच्छा अगर बात की जाए इस अमृत भारत एक्सप्रेस की किराए की, तो 280 रुपया से किराया है जनरल का और पूरा पूरी 600 रुपया से किराया है स्लीपर का, अगर आप इस ट्रेन से दरभंगा से पूरा पूरी दिल्ली आनंद विहार तक जाते हैं तो। अच्छा 2 डब्बों के बीच में देखिए ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे बाहर का जो हवा है वो अंदर नहीं आ सकता है। ये वाला व्यवस्था जो है वो वंदे भारत ट्रेन में दी जाती है, इस बार अमृत भारत जैसी जनसाधारण ट्रेन में भी भैया दी गई है। और देखिए लगी हुई है कटरा कामाख्या एक्सप्रेस और सभी के सभी पैसेंजर जो है भैया, सभी पैसेंजर की नज़र इस अमृत भारत ट्रेन के ऊपर है। जय हो जय हो। अच्छा ट्रेन का जो कलर है, ये जो कलर है इस गाड़ी की खूबसूरती में और 4 चांद लगा दे रहे हैं, काफी खूबसूरत लग रहा है ये कलर कॉम्बिनेशन। अच्छा गाड़ी में अलग से पेंट्री कार नहीं दिया हुआ है, लेकिन साइड पेंट्री है, आपको ट्रेन में स्नैक्स वगैरह खाना ही मिलेगा, खाना भी मिलेगा। तो देख लीजिए कितना खूबसूरत तरीके से भैया सज धज के इस गाड़ी में ये स्नैक्स सर्व कर रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है। ट्रेन भी सैफ्रन कलर का है और भैया जी को देख लीजिए, इनका ड्रेस भी सैफ्रन कलर का है। कुछ खिलाइए महाराज, कहाँ जा रहे हो, कुछ दीजिए ना। अमृत भारत एक्सप्रेस
पक्का सही। समृद्ध भारत ट्रेन में देखिए आपको पापड़ मिल जाएगा 10 में 2 और 20 में 4, हमने 4 लिए हैं। ये भैया इस अमृत भारत एक्सप्रेस का पापड़, मिथिलांचल का मिथिला पापड़ है ये, देख लीजिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और इस पापड़ के टेस्ट की बात की जाए, लाजवाब टेस्ट है इसका। उतरने दीजिए ना, पूरा खाली ट्रेन है महाराज। अरे पूरा गाड़ी खाली है, काहे इतना बका रहे हैं। तो भैया हमारी अमृत भारत ट्रेन पहुंच चुकी है पुपरी यानी जनकपुर रोड रेलवे स्टेशन। गाड़ी का यहाँ 2 मिनट का स्टॉप है। स्टेशन भी 2 प्लेटफॉर्म का है जिसमें हमारी ट्रेन आई है शायद 1 नंबर पे। बाकी जनकपुर में आप देख सकते हैं बहुत सारे पैसेंजर जो हैं वो यहाँ से अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, खासकर स्लीपर कोच वाले। चलिए निकल चुकी है भैया हमारी अमृत भारत ट्रेन जनकपुर रोड रेलवे स्टेशन से। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जा रहे हैं, मतलब जनरल कोच ही इतना प्रीमियम लग रहा है भैया दिखने में कि लोग जनरल कोच इसे मान ही नहीं रहे हैं। क्या हो भैया, खुद जनरल कोच को स्लीपर समझ रहे थे। बाय बाय भैया, बाय बाय, बाय बाय हो महाराज। अच्छा सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी ये अमृत भारत ट्रेन काफ़ी अच्छा है। 2-3 पुलिस वाले बार बार इस ट्रेन में, चाहे वो जनरल कोच हो या स्लीपर कोच हो, राउंड मार रहे हैं। यानी सिक्योरिटी पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया गया है अमृत भारत ट्रेन में। देख रहे हैं खेत खलिहान पानी, लाजवाब लग रहा है देखने में। इस अमृत भारत ट्रेन में आपको गर्मा गर्म समोसे मिल जाएंगे, 20 रुपये प्लेट है, 1 प्लेट में जाते हैं 2 समोसे। सही में नया नवेजी ट्रेन है तो खाने पीने का विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। समोसा भी काफ़ी अच्छा है और समोसा देखिए चटनी के साथ दिया गया है। सीतामढ़ी भी लगती है भैया, ये ट्रेन पूरा पैक हो जाएगी। स्वागत है भैया आपका सीता माता की जन्मभूमि, मैया जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। ये वही जगह है जहां राजा जनक जी को सीता माँ मिली थी। बाकी यहां हमारी अमृत भारत ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉप दिया गया है। स्टेशन भी 5 प्लेटफॉर्म का है जिसमें हमारी ट्रेन आई है 1 नंबर पे। और ये सीतामढ़ी जंक्शन पॉइंट भी है क्योंकि यहाँ से हमारी ट्रेन तो आ रही दरभंगा की ओर से, जाएंगे हम नरकटियागंज के रास्ते गोरखपुर की ओर। इसके अलावा यहाँ से एक लाइन मुजफ्फरपुर की ओर भी जाती है, यानी यहाँ से आप ट्रेन से मुजफ्फरपुर भी जा सकते हैं। बाकी आपने देखा है सीतामढ़ी में कितने सारे लोग इस गाड़ी में बोर्ड हुए हैं। इस गाड़ी का मार्केट समझ लीजिए सीतामढ़ी से बनता है। चलिए मैया जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी से हमारी ये ट्रेन निकल चुकी है। अब ये रुकेगी रक्सौल, फिर नरकटियागंज, और ये सब जो जगह है ना ये नेपाल की सीमा से काफी नजदीक है। अगला स्टेशन कौन सा आने वाला है, ट्रेन कितनी की स्पीड से चल रही है, स्टेशन से फिलहाल ट्रेन कितनी दूर है, सब कुछ देखिए यहाँ शो हो रहा है। चलिए शाम के 6:30 बज चुके हैं और पहुंच गई भैया हमारी अमृत भारत ट्रेन लगभग दरभंगा से 150 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद रक्सौल जंक्शन। रक्सौल जो कि आता है बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में, और यहां से आप नेपाल भी जा सकते हैं। जंक्शन पॉइंट इसीलिए है क्योंकि नरकटियागंज के रास्ते गोरखपुर जाएगी ये ट्रेन,
इसके अलावा यहाँ से एक लाइन सगौली के रास्ते मोतिहारी की ओर भी जाती है। स्टेशन 3 प्लेटफॉर्म का है जिसमें हमारी ट्रेन आई है 2 नंबर पे, और गाड़ी यहाँ आकर राइट टाइम हो चुकी है। दरभंगा से आधा घंटा लेट चली थी, यहाँ राइट टाइम हो चुकी है। 5 मिनट का स्टॉप है, 6:35 में यहाँ ट्रेन चलेगी। बाकी गाड़ी निकल चुकी है रक्सौल जंक्शन से नरकटियागंज, गोरखपुर, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर के रास्ते दिल्ली की ओर, आनंद विहार जाएगी दिल्ली का। बहुत सारे पैसेंजर इस ट्रेन को देखकर काफ़ी खुश हो रहे हैं क्योंकि ट्रेन ही कुछ ऐसी है। अच्छा, जनरल कोच देखिए लगभग खाली ही है, और अगर आपको हम स्लीपर कोच दिखाएं तो भैया स्लीपर कोच पूरा पैक हो चुका है, एक भी सीट अब यहाँ खाली नहीं है। देख लीजिए पूरा स्लीपर कोच पैक हो चुका है। स्लीपर से अच्छा इस गाड़ी का जनरल कोच है, पूरा खाली है, स्लीपर पूरा पैक हो चुका है। जनरल कोच बेटर देन स्लीपर कोच इस अमृत भारत ट्रेन की अगर बात की जाए तो। बाकी ट्रेन में पेंट्री कार तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको दिन का चाहे रात का खाना मिल जाएगा, लेकिन खाने का प्राइस ये लोग काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं। नॉर्मल जो 80 वाला खाना आता है ट्रेन में मिलता है, स्टैंडर्ड मील जिसे बोलते हैं, वो वाला भैया मिल रहा है इस गाड़ी में 130 रुपये में, 130, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। हम ऑर्डर नहीं किए हैं क्योंकि मुझे ये ट्रेन गोरखपुर में छोड़ना है, और गोरखपुर में उतर के हम आराम से वहाँ खाना खा लेंगे। 130 रुपये आपसे लिया जाएगा अगर आप इस गाड़ी में खाना खाते हैं तो, वेज खाना। आराम से हो भैया महाराज, आराम से। ये हम पहुंच चुके हैं नरकटियागंज जंक्शन, जो कि आता है बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में। और नरकटियागंज जंक्शन को जंक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारी ट्रेन आ रही है सीतामढ़ी की ओर से, इसके अलावा मोतिहारी वाली लाइन यहां आकर मिलती है और सीधे हम चले जाएंगे गोरखपुर की ओर। बाकी 6 प्लेटफॉर्म का काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। हमारी गाड़ी आई है नरकटियागंज 1 नंबर पे, और अच्छा एक और लाइन यहाँ से भिकना थोरी की ओर जाती है, यानी 4 लाइन 4 तरफ की रूट जो है वो नरकटियागंज में आकर मिलती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। बाकी यहाँ भी बहुत सारे यात्रियों ने अपनी यात्रा की शुरुआत की है, और कितनों ने अपनी यात्रा को समाप्त यहाँ किए हैं। चलिए हमारी ये दरभंगा आनंद विहार अमृत भारत ट्रेन निकल चुकी है नरकटियागंज से, अब ये रुकेगी बगहा, बगहा के बाद ये रुकेगी कप्तानगंज। अच्छा, बगहा के बाद से हमारी ये जो ट्रेन है वो एंटर कर जाएगी बिहार से उत्तर प्रदेश में। तो तमीज से बात करोगे ना भाई, तुम तम करके बात करोगे। अच्छा, तमीज से बात करोगे कि तुम तम करके बात करोगे? तब तो दे बाबू बोल दिए कि नहीं आप आइए बस जाइए। नहीं, यही तो है मानवता भैया, इंसानियत तो यही है भाई। क्या गलत बोल दिया भाई, तू ऊपर से चतर तान रहा है, मेरे को रिस नहीं आएगा। तुम तम करके बात मत किया करो, मेरा एरिया में देख, मेरा बात समझो। हम लोग चाहे तो जो मर्जी कर सकते हैं, गाली फजर कर सकते हैं, बोल सकते हैं, मगर इज्जत करते हैं। तू बहुत दूर से आ रहा है, तुम्हारा इज्जत करते हैं हम लोग। आप लोग सहरसा पूर्णिया खबरिया मानसी ये बोलता है क्या, हम बैठ गए तो हमारा है नहीं है, किसी का नहीं है, किसी का नहीं है। हो, सार्वजनिक चीज है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, किसी का नहीं है, सबको राष्ट्र की संपत्ति सभी का है। गिव रिस्पेक्ट भाई, टेक रिस्पेक्ट। बताइए, गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी ट्रेन चलाई है गरीब लोगों के लिए, जो वंदे भारत अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए अमृत भारत ट्रेन चलाई है, लेकिन फिर भी इस गाड़ी में कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रेन की संपत्ति का नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब ये भाई साहब देखिए एक फ़ोटो दिखा रहा है जिसमें इस ट्रेन का जो शीशा है, बाथरूम वाला शीशा जो है वो फूटा हुआ है। नई नवेली अच्छी ट्रेन चल चुकी है, लेकिन लोगों का सोच वही है, गवर्नमेंट करे तो क्या करे। कुछ लोगों के कारण हमारा पूरा बिहार बदनाम होता है। बाकी ये अंकल देखिए यहाँ आकर बैठ गए हैं जबकि सीट पूरा खाली है। यहाँ कहाँ बैठ गए आप, नहीं दिया ना वो लड़का बैठने के लिए क्या? चलिए सबसे पहले स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश में, क्योंकि भैया हमारी अमृत भारत ट्रेन पहुंच चुकी है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले का कप्तानगंज जंक्शन। टाइम दे सकते हैं, समय हो रहा है रात के 10:10 बाकी है, और गाड़ी यहां पहुंची है 10 मिनट बिफोर, 10 बजे टाइम था, 9:50 में ही गाड़ी यहां गई है। इस अमृत भारत ट्रेन ने दरभंगा से यहां तक पूरा पूरी 300 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। गाड़ी का यहां 2 मिनट का स्टॉप है। कप्तानगंज 3 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है जिसमें हमारी ट्रेन आई है 1 नंबर पे।
और कप्तानगंज को कप्तानगंज जंक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारी ट्रेन तो जाएगी यहाँ से गोरखपुर की ओर, इसके अलावा यहाँ से एक लाइन थावे के रास्ते सिवान जाती है, थावे भी जा सकते हैं। थावे में माता थावे का मंदिर है, घूमने फिरने के लिए काफी अच्छी जगह है। समय है रात के 11:15 बज चुके हैं और हमारी अमृत भारत एक्सप्रेस पहुंच चुकी है भैया बाबा गोरखनाथ की नगरी गोरखपुर में। आपका स्वागत है और गोरखपुर में ही इस अमृत भारत ट्रेन की यात्रा को करते हैं समाप्त। उम्मीद करता हूं यह सफर आपको पसंद आया होगा। जर्नी एक्सपीरियंस की बात की जाए तो ये जो ट्रेन है भैया वरदान है, समझ लीजिए काफ़ी अच्छी ट्रेन है। जो लोग प्रीमियम ट्रेन अफोर्ड नहीं कर सकते उसके लिए तो भैया ये गाड़ी नहीं, ये मतलब समझ लीजिए ये बहुत कुछ है ये उनके लिए। अगर दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट ट्रेन जाने के साथ। तब तक के लिए बोल दे एक बार जय हो महाराज। जय हो महाराज जी। जय हो बाबा गोरखनाथ की। जय हो बाबा गोरखनाथ और जय हिंद। हमारा नाम विवेक है। भाई का नाम विवेक है। विवेक मदनवाल। जय हो विवेक भाई जी। अच्छा गाड़ी गोरखपुर एकदम राइट टाइम पहुँची है, यानी गाड़ी एकदम पंक्चुअलिटी के मामले में काफ़ी अच्छी है। आधा एक घंटा अगर ये ट्रेन लेट भी हुई ना भैया तो भी ये ट्रेन राइट टाइम हो जाती है।